क्षमा ही यश है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा से ही चराचर जगत स्थिर है। क्षमा दंड से बड़ी है, दंड मनुष्य देता है और क्षमा देवताओं से प्राप्त होती है। दंड में उल्लास है मगर शांति नहीं, क्षमा में शांति भी है और उल्लास भी। क्षमा असमर्थ मानवों का गुण है और समर्थों का आभूषण, जो स्वयं शक्तिशाली होकर भी दुर्बलों की बातें सहन करता है, उस क्षमा को ही सर्वश्रेष्ठ क्षमा कहते हैं। एक बार की बात है, महाराजा रणजीत सिंह हाथी पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में कुछ बच्चे बेर तोड़ रहे थे। उनका एक ढेला गलती से आकर महाराजा रणजीत सिंह के लगा। बच्चे जान बचाकर भागे मगर पकड़े गए। सजा के लिए महाराजा रणजीत सिंह के सामने पेश किए गए। सजा के संबंध में सभी एक राय थे कि उन्हें कड़ा दंड मिलना चाहिए। महाराजा ने कोतवाल से पूछा, ये बच्चे क्या कर रहे थे? कोतवाल ने जवाब दिया, महाराजा ये लोग पेड़ पर ढेले चला रहे थे। महाराजा ने फिर पूछा, ये ऐसा क्यों कर रहे थे? कोतवाल ने कहा, सरकार बेरों के लिए। महाराजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं क्या उस पेड़ जितना भी उदार नहीं हो सकता जो पत्थर मारने पर फल देता है? फिर मैं इन्हें सजा कैसे दूं? इन्हें फल खिलाकर घर भेज दो। जो खुशी महाराजा रणजीत सिंह ने इन बालकों को क्षमा करके हासिल की, वो उन्हें दंडित करके वो कभी हासिल नहीं कर पाते। क्षमाशीलता हृदय में एक अनुपम आनंद का सृजन करता है, जो अन्यथा प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्षमा में स्वयं ईश्वर का वास है। महात्मा कबीर ने कहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप है, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जिंदगी में सफलता की एक ही कुंजी है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति इच्छित और निष्ठावान होना होगा। और यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। और रही बात जिंदगी की, जिंदगी के लिए हम अक्सर गमगीन हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी में गम है, लेकिन गम तो जिंदगी का एक रूप है और बदलते मौसम की तरह है। और हमारी जिंदगी में हम जितनी खूबसूरती से हर एक दिन को संजोते हैं और जीते हैं, हमारी जिंदगी की फोटो की एल्बम बिना एडिट किए बहुत खूबसूरत हो जाती है। बहुत जरूरी है आप इस सफलता के मंत्र को याद करें और खूबसूरती और मुस्कुराहट के साथ ईश्वर की देन इस खूबसूरत सुबह का स्वागत करें। इसी सुविचार के साथ आपका स्वागत है धरती धुरारी के मंच पर। मैं हूं आपके साथ नितांशा। मैं हूं आपके साथ अनामिका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा घणी। धरती धोरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नितांशा, जैसा कि तुमने कहा कि जिंदगी जो है एक बहुत ही खूबसूरत फोटो एल्बम है, जिसको बिना एडिट किए अगर जिए तो कमाल की बात हो जाती है। एक शेर मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि पत्थर से हैं इंसान के रिश्ते बड़े अजीब, पत्थर से हैं इंसान के रिश्ते बड़े अजीब, ठोकर किसी ने मारी कोई जल चढ़ा गया। तो ये नजरिए की बात होती है, जिंदगी को अगर जीना है, कुदरत की खूबसूरती को अगर जीना है, इंजॉय करना है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया होता है। कोई उस खूबसूरती को अनदेखा करता है, कोई उसे निहारता है, कोई पोएट बन जाता है तो कोई बन जाता है फोटोग्राफर। इतनी सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिनसे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, जिस शख्सियत से, उनकी पर्सनालिटी के विविध आयाम हैं। फोटोग्राफी उनकी पर्सनालिटी का एक आयाम है और ये आयाम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो आइए मिलकर के स्वागत करते हैं मोहम्मद फुरकान खान साहब का। सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो सबसे पहले बताएं कि फुरकान साहब जो हैं वो जवाहर कला केंद्र में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, आप फोटोग्राफर हैं, राइटर हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ के, कल्चरल फेस्टिवल्स के क्यूरेटर हैं और साथ ही एक डिस्टिंग्विश्ड कल्चरल पर्सनालिटी। सर, ये मुख्तलिफ आयाम हैं, पर अगर आपकी फोटोग्राफी के बारे में बात करें तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, शुरुआत कैसे हुई? देखिए, बहुत कोई ऐसा नहीं था कोई बड़ी घटना हुई हो,
अगर आप उस समय का याद करें तो सबके घर में छोटे छोटे कैमरे होते थे, आज तो डिजिटल आ गए, उस टाइम बहुत छोटे कैमरे होते थे, रील वाले कैमरे सबके घरों में होते थे, आप घर में किया करते थे, हम भी करते थे, कोई ऐसा विशेष प्रयोजन नहीं था कि हमें फोटोग्राफर बनना है, या धीरे धीरे कुछ लगा के अच्छा होने लगा है, लेकिन जो घटना है उसमें जिसने कन्वर्ट किया कि मैं कुछ सीरियसली सोचना चाहिए, हम लोग एक बार ऊटी गए थे और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ एक फोटोग्राफर हुआ करते थे, उनके पास बड़े कैमरे थे, मेरे पास तो छोटा सा कैमरा था, तो एक हीरा भाई हुआ करते थे, मैंने पहले भी इसका कई बार जिक्र किया, आज भी हैं वो, तो मैंने कहा हीरा भाई कैमरा दो ना यार, मेरे कैमरे से मज़ा नहीं आता जी, आपका कैमरा दो, बेचारे बड़े अच्छे इंसान थे, उन्होंने कैमरा जो याचिका उस जमाने में बहुत चलता था याचिका ला के दिया, बोला अपर्चर को ऐसे सेट करते हैं, उस टाइम स्प्लिट होता था जो जिसमें दोनों गोल घेरे मिलते, मतलब फोकस बढ़िया हो गया, दो तीन बातें समझा दी, ले गए ऊटी में, हमने खूब शूट किया ऊटी मुन्नार, काफी बहुत शूट किया, 8-10 रील भर के लाए, लाके दे दिया मैंने किसी को डेवलप करने के लिए, और उस टाइम मैं SDM हुआ करता था, तो उन्होंने कहा साहब कल आके ले जाइएगा, तो मैं पहुंचा कि साहब आज तो हुआ नहीं, आप कल आइए, ओके, पर थोड़ा गुस्सा आया, नए नए थे अफसर थे, थोड़ा सा ये कॉलर ऊंचा रहा करता था, ऐसे कैसे हो गया, तो नेक्स्ट डे फिर उन्होंने, मैं गया तो कहा साहब आज भी तैयार नहीं है, हमारे सेठ जी आपसे मिलना चाहते हैं, मैंने कहा ये क्या बात है भाई, मुझे जाना है, मैं दूर से आया हूँ, थोड़ा सा मैंने उनको गुस्सा दिखाया, इतने में वो भी आ गए, अरे साहब नाराज मत हो, अंदर आओ अंदर आओ, अंदर ले गए तो वो फोटो सामने रखे थे, मैंने कहा बने तो मुझे क्यों रोक रखा था, कि साहब मैं तो देख रहा हूँ इसमें आपके फैमिली आपके फोटो नहीं है, आपने सिर्फ लैंडस्केप किया है, कोई रिसर्च कर रहे हैं क्या आप, मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा लगा खींच लिया, आप अच्छा करिए, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं आप, उन्होंने ये बताया, उनको भी ये बात याद नहीं होगी, फिर वो दिमाग में घूमने लग गया, कुछ अच्छा किया है मैंने, देन आई स्टार्टेड सीरियसली, फिर मैंने कुछ किताबें कलेक्ट की, पढ़ना शुरू किया, और ये किस दौरान की बात है, जी आप कह सकते हैं 95 के आसपास की है। जिंदगी का एक पहलू ये भी होता है सर, इस उम्र तक आते आते बहुत सारे आयामों पे आपने सफलता हासिल की, एक बड़े पद पर आप आसीन हैं, अतिरिक्त महानिदेशक हैं जवाहर कला केंद्र के, अनामिका जैसा कि आपने कहा कि कोई फोटोग्राफर बन जाता है, कोई पोइट बन जाता है, और सर ने जैसा कि बहुत सारे आयामों को छुआ, जिंदगी का एक आयाम होता है हमारा बचपन, जहाँ हमारी बचपन गुजरता है, जहाँ हम जन्म लेते हैं, जिस परिवार के बीच हम रहते हैं, हमारी शिक्षा ग्रहण करते हैं, सर वो आयाम कहाँ? देखिए मैं जयपुर का ही हूँ, मेरे फादर जो थे वो पेशे से जैसे कहते हैं आप डिग्री होल्डर हकीम हुआ करते थे, लेकिन सरकारी नौकरी करते थे गवर्नमेंट प्रेस के अंदर, वो राइटर भी थे, लास्ट लिखते रहे कुछ ना कुछ, उर्दू उर्दू फारसी के विद्वान थे, तो शुरू से घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था ही, और हमसे हमेशा यही कहते थे कुछ लिखा करो कुछ लिखा करो, तो आप सोचिए जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था उस जमाने कहते दो दो पेज लिख के लाए, तो लिख के लाओ दिखाओ मेरे को, अच्छा खूब प्रेशर डालते थे, तो पढ़ा अजीब सा लगता क्या पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे मजा आने लगा, अच्छा तो अब लिख लिया आप करें क्या, तो कहते लेटर टू एडिटर लिखो, अच्छा जो अखबारों में लिखा जाता है लिखा मैं, आजकल तो सब क्रेज खत्म हो गया, आजकल तो ये फेसबुक वगैरह आगे लोग अपनी भड़ास वहां निकाल लेते हैं, उस जमाने में लेटर टू एडिटर खूब, तो इतने लेटर टू एडिटर लिखा था और छपते भी थे, अच्छा तो वो एक चलता चला गया धीरे धीरे लिखने का, फिर आर्टिकल लिखने शुरू हुए, कुछ कभी शायरी वायरी भी लिखती, तो उस जमाने में राजदूत नवज्योति ये छप जाया करते थे, पत्रिका में भी छपे कुछ आर्टिकल उस जमाने में, फिर योजना मैगजीन में हिंदी के, अच्छा हिंदी ठीक हो गई थी तब तक लिखते लिखते, उर्दू हमारे फादर ने सिखाई दी थी, फिर उर्दू योजना जो उर्दू निकलती है उसमें मेरे आर्टिकल थे, इट्स फॉर नो ट्रांसलेशन ओरिजिनल उर्दू के आर्टिकल, शायरियां आती थी, शायरियां भी थी, कोई शायरी आपको याद हो उस दौरान की? उस दौरान तो क्या शायरी तो जब से अब तक उस ना को चल ही रहा है, वैसे शायरी मेरा जो कहते हैं ना आप कह सकते हैं USP वो नहीं है, बेसिकली फोटोग्राफी है, उर्दू जब शायरी की जब हम बात करते हैं तो दो बातें आती है, एक तो होता है आमद, उर्दू में कहते हैं कि अपने आप शायरी आ रही है, जो बड़े शहरों में होता है, एक होता है आबुर्द जो जबरदस्ती क्रिएट की जा रही है, उन लोगों मिलाने वाली जो बात, हम लोग उनमें से हैं जो बेसिकली शायर नहीं है लेकिन कर लेते हैं, जैसे उस जमाने का आपने पूछा लिखा था, खुद ही लिखते रहे खुद मिटाते रहे, खुद ही लिखते रहे
खुद मिटाते रहे, जिंदगी को फसाना बनाते रहे। क्या बात है। मैं के टुकड़ा हवा का था उड़ता रहा, मैं के टुकड़ा हवा का था उड़ता रहा, लोग जहनों में पिंजरे बनाते रहे। क्या बात, बहुत उस जमाने का शेर। लेकिन आप पिंजरे में बंद होकर तो नहीं रहे, आप अपना कैमरा लेकर के निकले और लद्दाख तक आप पहुंच गए। नितांशा, जब सर की बुक हम देखते हैं लद्दाख के ऊपर, जो इनकी किताब आई है फोटोग्राफी की, उसमें जो लद्दाख की खूबसूरती को जिस तरह से आपने कैप्चर किया है, जिस तरह से दिखाया है, वो कमाल है। क्योंकि जब आमतौर पे हम फेसबुक पे लोगों की फोटो देखते हैं तो वो एक ही झील होती है जिसके सामने लोग फोटो क्लिक करवा के चले आते हैं और बताते हैं ये लद्दाख है। तो लद्दाख की खूबसूरती को अगर मैं आपकी आंखों के जरिए सुनना चाहूँ। देखिए, लद्दाख असल में जाना तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे ही हो गया था। और बचपन से जब हम पढ़ते थे किताबें तो उसमें बौद्ध धर्म के बारे में जिक्र आता था, तो उस जमाने में स्केचेज होते थे किताबों में बाल्ट वगैरह से, ऐसे तो दिमाग में बैठा हुआ था। जब हमारे गुरु जीश्री जी एक बार वर्कशॉप कर रहे थे वहाँ, तो ऐसी बात चली लद्दाख चलोगे, चलेंगे, तो एक क्रेज बन गया लद्दाख जाना है। वहाँ हमने 8 दिन का वर्कशॉप किया था, उसके बाद जब लौट कर आए तो दिमाग में ठान लिए कि लद्दाख पर किताब करना है। अच्छा, लद्दाख ऐसी जगह है जो बहुत खूबसूरत है अपने आप में, और अगर आपके पास में एक अच्छा कैमरा है और ऑटो सेटिंग भी है तो उससे भी आप फोटो अच्छे ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक किताब में शक्ल में लाना है, एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर की, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और लद्दाख पे फोटोग्राफी बहुत हो चुकी थी, तो काफी दिन तो ये सोचते रहे लद्दाख पे किताब निकालें तो किस तरह की निकालें। तो सोचा ये गया कि इसमें सीजन के हिसाब से कि हम एक सारे सीजन दिखाते हैं उसके अंदर, ये मैंने कोशिश की। तो हर सीजन में लद्दाख अलग अलग कैसे दिखता है, अलग अलग जगह कौन सी होती है, तो किताब इस तरह डिजाइन करी कि कोई लद्दाख देखने जाए तो जो सब कुछ जानना चाहता है वो इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो इसमें एक ये स्टार्ट होती है बर्फीले पहाड़ों से, खत्म होती है सैंड ड्यून्स पे, किताब और खूबसूरत तो है, बहुत खूबसूरत है और टूरिस्ट प्लेस भी है। जैसा कि अनामिका ने कहा कि लद्दाख को आपने अपने खूबसूरत कैमरे में कैद किया, और कहते हैं एक फोटोग्राफर अपना एक गोल सेट करके जाता है, सर ये सही है कि एक फोटो, एक तस्वीर अगर एक रियल तस्वीर है बिना एडिट की, वो बहुत सारी कहानी कहती है और अपनी कहानी खुद बोलती है, फोटोग्राफर कहे उससे पहले वो खुद बोलती है, सर आसान रहता है? देखिए, कोई भी अच्छा काम आसान तो नहीं होता, इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत दो तरीके से होगी, एक तो आपको स्किल आना चाहिए, जो आप जो देख रहे हैं उसे आप कैप्चर करना चाहते हैं वो स्किल आनी चाहिए। दूसरा, आपके पास वो नजर होनी चाहिए जो उस चीज को, फ्रेम को अपने ढाल सके दिमाग में, फिर वो कैमरे में उतार सके। तीसरा ये कि लद्दाख कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ से गए अपने पड़ोस में जाके नमस्ते करके आ गए, आपको बाकायदा प्लान करना पड़ता है, 8 दर्जन स्टे करना पड़ता है। थोड़ी ज्योग्राफिकल कंडीशन भी थोड़ी सी हार्ड होती है, जो सबके लिए आसान भी नहीं होती है। लाइफ का कोई खतरा नहीं है वहाँ, लेकिन हार्डशिप होती है, तो आपको ये सब मेहनत करना पड़ती है। फिर आपको अलग अलग सीजन में जाना और कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, लेकिन जब आपको जुनून होता है तो नेचुरली आप अच्छा कर ही लेते हैं। सर, लद्दाख की जब भी ट्रिप प्लान की जाती है, अमूमन आजकल अनामिका सभी लद्दाख जाते हैं, तो काफ़ी कुछ प्लान करना पड़ता है, लेकिन एक फोटोग्राफर के नज़रिए से हम सोचें तो एक काफ़ी वक्त लगा है, सिर्फ ये 8 दिन का नहीं है, मेहनत की पूरी किताब छप गई है, काफ़ी वक्त आपको लगा है। सर, इस दौरान काफ़ी बदलते मौसम भी आपने देखे, और एक एक पल का इंतज़ार करना कि कब सूर्य की किरण पड़े और कब मैं एक फ़ोटो ले लूं, और ये तमाम फ़ोटो को आपने कैमरे में कैद किया। फोटोग्राफी की हम अनामिका बात करेंगे, लेकिन सर एक कॉल आपके लिए आ गई है तो हम ले लेते हैं। हेलो 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 जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो हेलो हाँ जी जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जयपुर से अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मोहम्मद फुरकान साहब हमारे सामने बैठे हैं और आप इनके जिगरी दोस्त रहे हैं जहाँ तक हमारी नॉलेज है। मुस्कुराहट देख पा रही हैं आप अनामिका? मेरे बड़े भाई की तरह भी है। तो अजीत साहब, क्या क्या कहना चाहेंगे आप खान साहब के लिए? हमारा तो खास दोस्त है, काम आपने देखा ही है, किताब पढ़ी रहे हैं, देखी है आपने, तो आप खुद ही जज कर सकते। लेकिन सर, हम उस नजरिए से नहीं बता पाएंगे जिस नजरिए से एक बेहतरीन दोस्त बता पाएगा, क्योंकि दोस्त के साथ तो बहुत सारे पहलू जुड़े होते हैं,
तो एक दोस्त के नजरिए से क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे, कोई वाकया जो याद आता है? ऐसा है कि काम बड़ा डिफिकल्ट है और बड़ा धीरज वाला है जी। और एक तगड़ा जुनून चाहिए, किसी भी आपने एम लिया है ना जी, उसको पूरा करने के। बिल्कुल, मेहनत चाहिए और डिफिकल्टीज आती है तो उसमें पेशेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। तो ये आप देख ही रहे होंगे कि आपने अभी लद्दाख वाला देखा है, तो आपने उसमें देखा है कि एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। हाँ। तो सारा इलाका हर सीजन में जी उसको कवर करना और एक कहानी के तौर पे पेश करना, तो बड़ा ये आपने देखा डिफिकल्ट टास्क था। और कई आप यात्राएं देखेंगे जी। और कब आपके क्या कहते हैं जो कंपोजिशन आपने लिया हुआ है कि क्या शूट करना है और क्या नहीं करना, तो ये सारा बड़ा धीरज का, क्योंकि हमने तो देखा ही है ना, कई चीजें आपके मन मुताबिक नहीं आती तो फ्रस्ट्रेशन भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कंपोज कूलनेस जो मेंटेन करते हो और धीरज रखते हो ना, तो ये बस यही चीज है। ये किताब आपको ही जो चीजें देख रहे हैं यही बताएंगे ना कि आपने कोई भी एम लिया है तो मेहनत चाहिए और डेडिकेशन डिवोशन है ना जी। तो हाँ, कहा जाता है कि हर खूबसूरत चीज यूं ही खूबसूरत नजर नहीं आती, उसके हाँ, पीछे कड़ा संघर्ष होता है। देखनी पड़ती जी, देखनी पड़ती सर। तो इस बेहतरीन दोस्ती, खूबसूरत दोस्ती के नाम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कोई कविता, गजल या गीत? बस यही मानो कि इस जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है हमारा खास दोस्त। थोड़े बिना पॉसिबल नहीं था भाई, उसको पा लिया और खुदा से उसके बाद क्या मांगे हैं, इससे ज्यादा क्या है जी। वाकई परिवार के साथ साथ दोस्त भी एक परिवार होता है, इनके बिना पॉसिबल भी नहीं था। फुरकान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कोई गजल, गीत या शायरी, कुछ अल्फाज? नहीं, शायरी तो ये कि बहुत सारे लिखते हैं, चलता रहता है, लेकिन एक शेर मैं सुनाता हूँ, मेरा नहीं है लेकिन वो तो आपने कहा ना, कई आयाम जुड़ जाते हैं जी, इरशाद। कुछ गमे दोरा कुछ गमे जाना, दोनों मेरी जात के नाम। क्या बात, कुछ गमे दोरा कुछ गमे जाना, दोनों मेरी जात के नाम, एक गजल मंसूब है तुझसे, एक गजल हालात के नाम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, जिंदगी इस तरह चलती है। बिल्कुल अजीत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं नितांशा, उनको बता देते हैं, आप देख रहे हैं धरती धोरारी और आज के एपिसोड में हमने बतौर गेस्ट इनवाइट किया है मोहम्मद फुरकान खान साहब को। आप जवाहर कला केंद्र में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं और साथ ही फोटोग्राफर हैं। आज आपके फोटोग्राफी आयाम के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सर राइटर भी हैं, कल्चरल एक्टिविटीज के क्यूरेटर भी हैं। इनसे बात करने के लिए आप इन नंबर्स पे डायल कर सकते हैं 01411270409 एंड 01412704999। सर तो अजीत साहब से बात करने से पहले लद्दाख के बारे में आपसे बात कर रहे थे, लद्दाख द प्रिस्टीन ब्यूटी, ये किताब आपकी है और मुझे लगता है कि जो अनछुए लोकेशंस हैं जहां एक आम आदमी नहीं पहुंचता, वहां पर आप अपने कैमरे के साथ पहुंचे हैं। ये एक दो दिन का काम तो है नहीं, आपको कितनी बार जाना पड़ा वहां पर लद्दाख की इस ब्यूटीफुल सीरीन लोकेशन को कैप्चर करने के लिए? 7 साल का काम है ये, 7 साल का काम है जो इस किताब में आप सहेज कर लाए हैं। शुरू में साल में एक बार जाना हुआ, बाद में दो दो बार जाना हुआ। अच्छा, और लास्ट में किताब मेरी 1 साल डिले हो गई कि कुछ फोटोग्राफ जो मैं समझ रहा था काफी ठीक है पर्टिकुलर सीजन के या पर्टिकुलर जगह के, लेकिन हमारे गुरु जी के हिसाब से वो उतने अच्छे नहीं थे। अच्छा। तो रोक के वापस गया, उनको वापस शूट किया। तो क्योंकि आप वैसे खुद खींच लें, खुद देख लें, बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन जब आप किताब कर रहे होते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए होता है। और हमारे जो गुरु जी सुरेश कराले साहब है, जिनके जो मेरे फोटोग्राफी के गुरु है, बड़े सख्त है इस मामले। अच्छा, तो कभी तारीफ तो करते ही नहीं है, ठीक है, एकदम साहब कभी तारीफ तो कर दो, जब आओ लेवल आएगा तब करेंगे तारीफ, अभी तो किए जो। सर लद्दाख बहुत खूबसूरत है, जहाँ बर्फीले पहाड़ हैं, एक पथरीला रास्ता है, बहुत खूबसूरत वहाँ एक झील भी है और एक जिंदगी खूबसूरती से लेकर एक आम जीवन की जिंदगी भी आप कैद करके लाए हैं। आम लोगों के साथ जो वहाँ पर जीवन जीते हैं, वहाँ रहते हैं, उन लोगों के साथ फोटोग्राफ क्लिक करना, एक पल शेयर करना, कैसा रहा?
लेकिन लद्दाखी लोग अलग टाइप के हैं बिल्कुल. जनरली वो कश्मीर का जो मतलब पॉलिटिकली कश्मीर का पार्ट है वो, लेकिन कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग हैं. लद्दाखी लोग बहुत दूर दूर इलाकों में रहते हैं. जैसे आप गांव कहते हैं मुश्किल से 5 घर होंगे, एक आदमी रहता होगा. अच्छा. और बड़े सरल स्वभाव के, बहुत सरल स्वभाव. अब टूरिज्म जब आने लगा है तो कुछ जो टूरिज्म के इलाकों के आसपास रहते हैं वो थोड़े से टूरिज्म ओरिएंटेड हो गए. हाँ. लेकिन आम तौर पे बहुत ही अच्छे लोग और बड़े वैल्यूज वाले जी. आपको देखेंगे तो आपकी मदद करने को हमेशा तैयार रहेंगे. फोटो खिंचाने में उनको कभी आपत्ति नहीं होती. और शायद बड़ा कारण ये होता है कि चूंकि उस जगह पे लोग आते ही नहीं है तो कोई आदमी देखे उनको वैसी खुशी होती है समबडी इज कमिंग. और बहुत दूर दराज के इलाके, अच्छा अपने ही इलाके में ज्यादातर वो घूमते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं और बहुत कम जो कहते हैं ना साधनों से जीते हैं. बड़े अच्छे लोग हैं. देखा जाए तो अभी भी वो कुदरत के बहुत पास रह रहे हैं. सर आपकी दूसरी बुक है मांडू के ऊपर, मांडू रोमांसिंग द रुइंस. तो ये जो खंडहर है इसमें भी आपको रोमांस नजर आया, आपको लगा कि ये खंडहर जो है बहुत प्यारे हैं और इसको आम जन तक पहुंचाना जरूरी है. इस यात्रा के बारे में कुछ बात करें आप. देखिए वैसे जो आपने कहा रोमांस, ये कहानी भी रोमांस की है मांडू के ऊपर. आपने एक गाना सुना होगा वो आ लौट के आजा मेरे मित्र तुझे मेरे गीत, फिल्म का गाना है ये. एक रानी रूपमती फिल्म का एक गाना हुआ करता था, बड़ी मशहूर फिल्म आई थी, वो इसी की कहानी है. अच्छा, अच्छा. रानी रूपमती और बास बहादुर. हाँ. इन दोनों की कहानी को लेकर ही ये पूरा खंडहर मशहूर हुए हैं. ये एमपी में है, धार से लगभग 50 किलोमीटर पर. जाना इत्तेफाकन हो गया था. मेरे कजिन इंदौर में रहा करते थे, हम मिलने गए तो उन्होंने कहा भाई साहब हम मांडू चलेंगे. मैं कहा नाम तो सुना है, चल लेते हैं. तो उसने बुकिंग वुकिंग करा दी थी. जब मांडू गए तो पूरा खंडहर है, पूरा जैसे छोटा सा शहर कहते हैं ना. हाँ. खंडहर ही खंडहर है. लेकिन खंडहर बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट के बड़े कंपोजिशन बन रही थी. तो 2 दिन हम आ रहे तो 2 दिन के बाद शाम को मैंने कहा मैं इस पर भी किताब करूंगा. जबकि उस टाइम लद्दाख की किताब मेरी अभी अधूरी चल रही थी. अच्छा. लेकिन डिटरमाइन कर लिया था मुझे मांडू पे भी किताब करनी है. हाँ. तो बस उसके बाद में लद्दाख का काम चलता रहा, मांडू भी चलता रहा. तो 2 साल के फासले में दोनों किताबें आ गई और आप खुद देखेंगे मांडू के अंदर. असल में आप वहां जाएंगे ना तो आपको लगता है देयर इज समथिंग रोमांस इन द एंबियंस, रोमांस इन द एयर, आपको फील होगा. तो वही अट्रैक्ट किया था उस चीज को. फिर वो अगर आप फोटो को देखेंगे मांडू को, खंडर है एक जैसे लगते हैं फिर भी उनमें कुछ अलग है. और खींचने के इसमें भी देखा यह गया कि भाई एक जैसा ना लगते कुछ अलग अलग दिखे चीजें. और इसमें मांडू में खासियत ये थी कि हमने इस पे टेक्स्ट पे बहुत मेहनत करी. अच्छा. क्योंकि उसका इतिहास भी है, उसका किंवदंतियां बहुत है रानी रूपमती के बारे में, बास बहादुर के बारे में, उस इलाके के बारे में. तो इतिहास को किंवदंतियों को अलग करना बड़ा मुश्किल सा था कि कौन सा इतिहास अच्छा है कौन सा नहीं. तो उस पर हमने बहुत मेहनत की. किताबें भी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी लेकिन उसके टेक्स्ट पे खूब मेहनत करने के बाद फिर ये सोचा कि जो इतिहास जो हमारा गवर्नमेंट का जो आर्काइव है उसने जो तय किया उसको तो इतिहास लेंगे और साथ में किंवदंतियां बताते चले गए हर मॉन्यूमेंट के बारे में. बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है वो भी. सर ये दोनों बुक आपकी आई, पहले लद्दाख आई फिर मांडू आई, और बुक की हम बात करें तो बहुत सारी तस्वीरों में से कुछ तस्वीरों को सेलेक्ट करना, एक बुक का रूप देना, और ये खूबसूरत कवर पेज हम देख रहे हैं और खूबसूरत सा टाइटल देख रहे हैं. सर ये कवर पेज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी कि एक फोटो सेलेक्ट करना? देखिए कवर आपको एक तरह से सेल करने का वो एक बहुत बड़ा एक आपका वो विंडो होता है. हाँ. तो उसको आपको बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है. लद्दाख का भी था तो बहुत मेहनत करनी पड़ी. उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको किताब पे लगा के देखते हैं अच्छा है या नहीं है, फिर कई ऑप्शन के बाद में डिसाइड करते हैं. लद्दाख का थोड़ा इजीली हो गया था. मांडू में दिक्कत आई थी कि हम चाहते थे कन्वे भी हो कि रुइंस है और लगे भी नहीं कि पुरानी किताब है. तो फिर काफी सोच विचार के बाद में हमारे सीरीज जो सर है उन्होंने ये तय किया कि इसको अपन स्केच में कन्वर्ट करते हैं. तो आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा है मांडू रोमांचिंग का रिव्यूज पढ़ के जो नीचे दिखता है खंडर सा दिखता है और नया भी दिखता है तो कन्वे हो जाता है. तो पसंद किया लोगों ने इनके जो रिव्यू आए, कवर पेज ही पसंद किया और अंदर का डिजाइन भी पसंद किया. एक शेर मुझे यहाँ याद आ रहा है नेताजी का और वो कुछ इस तरह से है कि
जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लद्दाख की खूबसूरती को आपने कैप्चर किया, आपने मांडू की खूबसूरती को कैप्चर किया, व्हाट नेक्स्ट, तीसरी कौन सी किताब है आपके जाने वाली? तीसरी जो मेरे जहन में चल रही है उसका आधा काम हो चुका है, आधा बाकी है। जंस्कार, एक जंस्कार वैली जी, लद्दाख का बहुत रिमोट पार्ट है, उस पर मेरा काम चल रहा है अभी। पिछले 3-4 सालों से मैं बिल्कुल नहीं जा पाया हूँ, ये मेरे लिए अफसोस की बात भी है जी। लेकिन उसके अंदर 2-1 साल मुझे लगेंगे उसको कंप्लीट करने में जी। और बहुत रिमोट एरिया है। अभी तस्वीरों में हम देख पा रहे थे कि कश्मीर में जो वेजिटेबल मार्केट है जो बोट्स पर शिप्स पे चलता है, तो आपने कश्मीर की ब्यूटी को भी कैप्चर किया। आप पुष्कर मेले में भी गए हैं, केरला को भी सर ने अपने कैमरे से कैप्चर किया है। देखिए पुष्कर तो राजस्थान में वैसे खूब जाना होता है, और गोवा जब मैं वेस्ट जोन कल्चर सेंटर में था उसका एक स्टेट था तो वहाँ भी खूब जाना होता था। और जब आप लद्दाख जाते हैं तो कभी आप श्रीनगर होके भी जा, ये जो वेजिटेबल मार्केट देख रहे हैं बड़ा अद्भुत मार्केट है ये, लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन फोटोग्राफर्स वहाँ बहुत पहुँचते हैं। वहाँ पानी के अंदर ये दुकान है, इस पे जो शिकारे होते हैं इन पे आते हैं बहुत सारे, अपने वेजिटेबल पानी में उसी डल लेक में उगती है वो लाते हैं। अंधेरे जब शुरू हुए, सूरज की हल्की सी रोशनी भी नहीं आती तब से आना शुरू हो जाते हैं, और जब तक सूरज उगा तब तक तो मार्केट खत्म हो जाता है। तो उसे कैप्चर करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज भी था, और किसी मैगजीन ने डिमांड किया था कि भाई ऐसा कुछ हो तो आप भेजो, इत्तेफाक से मेरे पास था तैयार तो मैंने भेज दिया उनको। सर अमूमन अनामिका आपने देखा होगा फोटोग्राफर सिर्फ जो फेमस जगह है उनकी फोटोज लाते हैं, कुछ नया देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर की खासियत यह है कि सर उन अनछुए पहलुओं को भी लोगों के सामने लाते हैं जो लोग नहीं देख पाते हैं। एक आम सी जिंदगी, मछुआरा, आपने एक मैंने फोटो बहुत प्यारी फोटो थी, एक मछुआरा नाव पर है और मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, एक फोटो एक बच्ची की थी जो पेड़ के सहारे खड़ी थी, एक रूही सी आंखें कुछ कहती हुई सी। सर ये तस्वीरें आप जब कैद करते हैं तो क्या दिल में रहता है, क्या लोगों को पसंद आएगी या कुछ देने की कोशिश रहती है? देखिए इसमें मेरा जो नजरिया है फोटोग्राफी के बारे में, जो चूंकि मैं लैंडस्केप फोटोग्राफर हूँ, चीजों को आप अच्छे ढंग से भी देख सकते हैं, बुरे ढंग से भी देख सकते हैं। मैं जब भी फोटो खींचता हूँ दो चीजें उसमें ध्यान रखता हूँ कि उसकी सबसे जो खूबसूरत टाइम हो, जब वो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे उस टाइम खींचना है मेरे को, क्योंकि मुझे उसकी गंदगी नहीं दिखानी, उसकी खूबसूरती दिखानी है। और दूसरा ये उस एक फोटो के अंदर ही बिना बताए वो आप मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, इससे अच्छा फोटो एक्सप्लेन कर दे, ये हमेशा कोशिश होती है। जिस लड़की की बात करें शायद मांडू में देखी हो किताब में, अब वहाँ के लोग जो ट्राइबल हैं बड़े इनोसेंट हैं, अब बच्ची की इनोसेंस खड़ी हुई थी, देखा मैंने कहा दिस रिप्रेजेंट द ट्रू कैरेक्टर ऑफ दिस ट्राइब जो यहाँ रहती है, इनोसेंस। तो उस जगह का आपको करेक्टर दिखाना है फोटो के जरिए बिना कुछ कैप्शन दिए, तो आपको वो चीजें कैप्चर करनी पड़ेंगी, और उस ढंग से कैप्चर करनी पड़ेगी जिस ढंग से वो उसका करेक्टर दिखा रहे हैं जी। तो एक परफेक्ट शॉट के लिए काफी इंतजार करना पड़ता होगा सर। मैं ये जानना चाहती हूँ थोड़ा इरिटेशन नहीं होता क्या कि घंटों बैठे हुए हैं एक परफेक्ट शॉट मिले, जैसे सनराइज का फोटो है, सनसेट का फोटो है, आप लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं, पहले तो लैंडस्केप फोटोग्राफी है क्या जो दर्शक नहीं जानते ये बता देते हैं, और साथ ही ये परफेक्ट फोटोग्राफी के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है परफेक्ट शॉट के लिए? पहला आपका सवाल लैंडस्केप फोटोग्राफी, बेसिकली लैंडस्केप फोटोग्राफी जब अपनी प्रकृति के आसपास काफी चीजें होती है जिसमें पहाड़ हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, इनको कैप्चर करना वो लैंडस्केप फोटोग्राफी कहलाता है। उसमें आप कुछ नए बिल्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बिल्डिंग कर रहे हो तो लैंडस्केप फोटोग्राफी नहीं होगी, मतलब नेचर ने जो चीज़ें दी हैं उसको कैप्चर करना वो लैंडस्केप होता है। इससे डिफरेंट फ्रॉम द नेचर फोटोग्राफी, नेचर में बाकी चीज़ें जुड़ जाती हैं। लैंडस्केप फोटोग्राफी को कैप्चर करने के लिए आपको काफ़ी डिपेंड करना पड़ता है सनलाइट के ऊपर, क्योंकि आप सूरज की रोशनी पर ही आप डिपेंड करते हैं, और सूरज की रोशनी हमेशा उस लायक नहीं होती कि आप फोटो खींच सकें, सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग दो ही टाइम ऐसे होते हैं जब आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। और कभी कभी इरिटेशन होता है कि आप जाते हैं सोचते हैं दिमाग में, क्योंकि अगर आप ये सही मायनों में देखें तो आपके दिमाग में चीजें उभरती हैं कि मुझे ऐसा खींचना है, तब आप खींचते हैं तो फोटोग्राफर, अदरवाइज तो वो खिंच खिंच जो आम आदमी करता है। जैसे एक पेंगोंग झील जिसका आपने जिक्र किया था जहाँ लोग अक्सर फोटो खिंचाते हैं,
हम सर्दी में गए थे जब वो जम गई थी पूरी, हाँ। कई बार गए तो दिमाग में ये आया कि ऐसा फोटो कैसे जिसमें कि लोग चलते हुए हों और उसके शेडो बर्फ पे आ रहे हों, ताकि बताने की जरूरत ना पड़े ये बर्फ है। अब वो शेडो तभी आ सकते जब मॉर्निंग में जब सूरज निकलता हो, हाँ। और जब भी वहां जाते हैं वो बादल आ जाते हैं तो बड़ा इरिटेशन होता है कि आए इसी के लिए नहीं गए। तो लास्ट में एक दिन गुस्सा आ गया, इस बार आऊंगा, दोबारा अगर नहीं आया तो मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, मतलब आप उसे धमकी देकर आए एक तरह से, मतलब मन में गया कि इस बार मैं जा रहा हूँ, आए तो ठीक है, नहीं तो फिर इस काम के लिए नहीं आऊंगा। ऊपर वाले ने सुन लिया, उस दिन बड़ी अच्छी लाइट निकली, तो आप देखेंगे लंबे लंबे शेडोज है, सुबह सुबह पानी जो जम गया है वो पेंगुइन पे जमते हुए पे लोग चल रहे हैं। क्या बात सर है? इसी बीच अनामिका एक फोन आ गया, वो ले लेते हैं। बिल्कुल। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना खान। आमना मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं सर। और मैम जो मेरा सबसे पहले सवाल है आपसे वो ये है कि सर अपनी दिनचर्या का एक मेजर हिस्सा फोटोग्राफी को डेडिकेट कर रहे हैं, तो आप इनकी बेगम साहिबा हैं, वाइफ हैं, कैसे आप संभालती इन सब बातों को? आपको कभी गुस्सा नहीं आता कि भाई थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दो? नहीं आता बिल्कुल। मैम कभी रहा कि इतनी खूबसूरत फोटोज तो जगहों की सर लेते हैं, आपने कभी सोचा कि मेरी भी कुछ तस्वीरें ले? नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये हमें भी कभी कभार खुश कर देते हैं, लेकिन हमें इनका फोटोग्राफी करना ज्यादा अच्छा लगता है, जो लैंडस्केपिंग करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। मैम ये जिंदगी का बहुत खूबसूरत सफर रहता है, हम सफर के साथ जब बीतता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप सर के लिए? सर के लिए तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। और आप सोच कहा जाए तो एक लबो लबाव में कि बहुत जो घर में बोलते हैं वो बोलिए बोल रही बहुत अच्छे इंसान है ये सर। यूं तो जिंदगी के लिए आपने बहुत सारी शायरियां और आर्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन आमना मैम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ अल्फाज शायरी के माध्यम से या गीत के माध्यम से? एक गजल लिखी थी बहुत पहले। अच्छा, इरशाद सर। मुझको मुश्किल है कि अब गीत सुनाऊं कैसे, और मोहब्बत के तराने भी सुनाऊं कैसे, कैसे कह दूं कि मुझे तुझसे मोहब्बत ही नहीं, लेकिन उल्फत के फसाने भी सुनाऊं कैसे। बहुत पहले इनके लिए लिखी थी। मैम देखिए सर ने तो गजल सुना दी है, लेकिन कहते हैं कि जब हम जिस संगत में रहते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं, तो मैम कुछ शायरी आप कहना चाहें, कोई गजल आप कहना चाहें या कोई गीत? गजल कुछ नहीं है, एक गाना है जो इनको और मुझको दोनों को बहुत पसंद है। अरे वाह मैम, एक प्यार का नगमा है जी। मैम इसे गीत के लहजे में प्लीज सुनाएं, तरन्नुम में। वो मुझे इतना बेकार है, फिर भी एक लाइन में सुना दीजिए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ गुड डे। तो सर मैम से बात करके आपको कैसा लगा शो के दौरान? वैसे तो आप घर में वार्तालाप करते रहते हैं, डर लग रहा था कि कोई शिकायत ना निकल आए। सर यहाँ अनामिका, हम फोटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं सर, भारतीय जगहों की आपने बहुत सारी फोटोज ली, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की हम जब बात करें, एज एन गेस्ट, एज एन हेड, आप वहाँ गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर कल्चरल्स प्रोग्राम्स को देखने, सर वो अनुभव कैसा रहा? देखिए बाहर में फोटोग्राफी करने नहीं गया था, गए थे तो कर ली बस, और प्रोग्राम देखने नहीं, प्रोग्राम करवाने गए थे जी, एज एन हेड। तो वहाँ के यहाँ के हम कंपेयर करें तो कुछ चीज़ों में वो लोग अच्छे हैं, इसको हमें मान लेना चाहिए। सबसे पहली बात डिसिप्लिन जी, बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं। जिन पांच कंट्रीज में मैं गया, पांचों में एक चीज़ कॉमन थी कि डिसिप्लिन जी, डिसिप्लिन चाहे वो लाइन में लगना हो, चाहे गाड़ी में चलना हो, चाहे वो होटल में जाना हो, इतने डिसिप्लिन के बिना कहे डिसिप्लिन आपका रहता है। दूसरा ह्यूमन वैल्यूज कमाल के हैं, हम लोग बहुत गीत गाते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज हमारे बहुत है, नहीं
मुझे लगता है कम से कम यूरोप के संदर्भ में देखें वुमन वैल्यूज ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल सर, और हो सकता है कुछ ये बात किसी को बुरी भी लगे लेकिन ये एक देखा हुआ चीज है। तीसरी जो सबसे अच्छी बात है वहाँ पे लेडीज की बहुत इज्जत है, स्पेशली प्रेगनेंट लेडीज हो या ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज मदर्स हो, लोग कमाल की इज्जत करते हैं, उनको देखा जगह रास्ता छोड़ देते हैं अपने आप। पैदल कोई चल रहा है चाहे वो गलत चल रहा है तो भी 10 फीट दूर रुक जाएगा गाड़ी वाला भी, कभी वो ये नहीं कहेगा कि साहब कितू गलत था, रुक जाएगा क्योंकि उसके उसको भी जीने का अधिकार है। गलती से आ गया है तो भी ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो क्या है गलती खुद भी हो तो ठोक के चले जाए तो गाली और बके जोर से। बिल्कुल, तो ये चीज जो जो एक सिविक सेंस है ना जी, वो कमाल का है वहाँ पे। सर आप कल्चरल एक्टिविटीज के क्यूरेटर रहे हैं और शिल्पग्राम उदयपुर में आपका चार साल का टेन्योर रहा है सर आपका। बहुत बातें कही सुनी गई हैं आपकी तारीफों में, खुद आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पर किस तरह के डेवलपमेंट्स आपने किए, क्या क्या चेंजेस किए वहाँ। देखिए वेस्टर्न कल्चर सेंटर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्थान है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, और ऑनरेबल गवर्नर राजस्थान उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। मैंने वहाँ लगभग 9 साल काम किया जी, 5 साल एज एडिशन डायरेक्टर, फिर मेरा सिलेक्शन डायरेक्टरशिप में हो गया। जब मैं डायरेक्टर बना तो मैंने, चूंकि जब एडिशन डायरेक्टर रहा तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में होती थी कि मुझे ऐसा भी चलना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें की चेंज। और शिल्पग्राम थोड़ा सा ऐसा था जो विजिबल है दिखने में, जो मैंने वहाँ कुछ चेंजेस लाए, हम लोगों ने वहाँ नई चीज़ें जोड़ी गई, हमने एक स्क्रीनिंग सेंटर जोड़ा जिससे कोई भी आए, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ शिल्पग्राम, आते आप देख सकते हैं, उसमें एक फिल्म दिखाई जाती है 10 मिनट की जी हाँ। उसके दुकानों का रिलोकेशन हुआ, एक पहले वहाँ कोई टाइमली वो नहीं होता था कि कितने बजे प्रोग्राम होंगे, डेली हमने एक छोटा सा मंच बनाया, एक प्रोग्राम का जगह बनाई जहाँ डेली 4 शो होते हैं जी। इसके अलावा हमने देखने के लिए जो लोग देखे तो मूर्तियां बनवाई अलग अलग तरह की, कुछ तो फोक पोज में बनवाई, कुछ हमने योगा पोज, तो एक लाइव कर दिया उसको पूरे, और उसका फर्क ये पड़ा कि अब वो आम दिनों में भी लोग, पहले कंसेप्ट ये बन गया था कि सिर्फ शिल्पग्राम फेस्टिवल के दौरान ही चलता है, हमने उस भ्रम को तोड़ा कि नहीं ये सालों चलता है, हर दिन चलता है, और कुछ नई एक्टिविटीज भी जोड़ी। पहले सिर्फ वहाँ शिल्पग्राम फेस्टिवल ही होता था, 2 प्रोग्राम मैंने वो और जोड़ के आया, एक शरद रंग और दूसरा ऋतु वसंत, अब ये 24 प्रोग्राम हो गए, खूब चलते हैं। इसका छोटा सा बस एक उसका प्रमाण यह है कि केंद्र सरकार ने इस तरह की चीजें देखते हुए 9 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था मेरे टाइम पे, तो आधा काम हो चुका था। जब आपने कुछ काम किया तो उसका एक तरह से उन्होंने नाम दिया कि ये हमने प्लान बना के वजह उन्होंने सैंक्शन किया। दूसरा शिल्पग्राम फेस्टिवल जो होता है, जब मैंने ज्वाइन किया था वो उस दौरान 10 दिनों में 93,000 विजिटर्स थे। अच्छा, 10 दिन के जब मैंने छोड़ा तो 1,54,000 करके आया था, 4 साल में 1.5 गुना। तो ये एक सबूत था कि भी काफी अच्छे काम हुए वहाँ पे, और प्रोग्राम की दृष्टि से भी, प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को जो कंटेंट्स की स्थिति में भी, और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति में। आपकी काम की तारीफ कोई और भी करना चाहता है, कोई फोन लाइन पे हमारे साथ कनेक्टेड है, बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी कमलेश बोल रहा हूँ। कमलेश जी कैसे हैं आप? फरकान साहब हमारे सामने बैठे हैं, आपके जिगरी दोस्त हैं, तो बताएं क्या कहना चाहते हैं सर को। सर के लिए हमें सब ढेरों शुभकामनाएं, दुआएं, हर काम बेहतर करें और अभी जो किया उससे भी बेहतर करें। क्या बात है, दोस्तों की दुआएं रहती हैं सर तो रंग तो लाती हैं। उन्हीं का सर है साहब। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कमलेश मेरे छोटे भाई की तरह है, इससे पहले आपने अजीत सिंह से मिलवाया तो मेरे बड़े भाई की तरह है, और अगर आप किताब देखेंगे तो इनका लद्दाख में दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा, दोनों मेरे साथ जाते थे। हाँ। जो हार्डशिप मैं तो अपने किताब के लिए करता था, ये मेरे लिए साइन करते थे। क्या बात है। मेरी किताब के लास्ट के पेज में दोनों का फोटो भी है कि भाई ये मेरे साथ जाते थे, ये छोटे भाई की तरह बहुत ख्याल रखता था मेरा। क्या बात है, तो कमलेश जी का अमूल्य कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी लद्दाख द प्रिस्टीन ब्यूटी की जर्नी में। लेकिन अनामिका, दोस्तों के साथ हम जब जर्नी शेयर करते हैं तो बहुत सारे हंसी मजाक के पल भी होते हैं, छेड़छाड़ के पल भी होते हैं सर, कोई मोमेंट याद आता है?
हमेशा होते रहते हैं। लद्दाख के रिफ्रेन में सोचना पड़ेगा क्योंकि लद्दाख में ऐसी मजाक तो काफी होती थी लेकिन सुनाने लायक थोड़ा सा सोचना। कोई नहीं सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, आप लद्दाख गए, आप मांडू भी गए, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं इंडिया में नाम तो बहुत हैं लेकिन कई बार क्या होता है दर्शन छोटे हो जाते हैं कमर्शियलाइजेशन की वजह से, लिटरिंग की वजह से, लोग जाते हैं तो कूड़ा बहुत फैलाते हैं, क्या कहेंगे आप? यही जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी डिसिप्लिन की, वो ही कमी है हमारे यहाँ सिविक सेंस की। जिस पेंगोंग लेक का आपने नाम पहले कहा, काफी मशहूर भी हो गई थी एडिट के बाद में, वहाँ जाके देखेंगे और पूरे रास्ते में लद्दाख के बियर की बोतलें और ये कोको कोला मैगी के खाली पैकेट यहाँ वहाँ इतने पड़े होते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने एक झोले में डाल लें, जहाँ कहीं कचरा पाते उसमें डाल दें, नहीं जहाँ मर्जी डालेंगे। नॉइस पोल्यूशन बहुत करते हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हैं, म्यूजिक भी बड़े बड़े हैं, बहुत तेज आवाज आएंगे, तो ये थोड़ी दिक्कत तो है। एक और चीज है जो मांडू में मिलेगी जिसे कहते हैं हेरिटेज वैंडलिज्म, कोई भी आएगा नाम लिख जाएगा राखी फलाना मनोज फलाना। अरे भाई यहाँ लिखने से अच्छा है कुछ और करके दिखाओ तो वैसे नाम अमर हो जाएगा ना, ये बहुत गंदी बात है। वैसे लद्दाख में इसके लिए काफी प्रयास किए, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, लेकिन सरकार कब तक कंट्रोल कर लेगी? तो हमें अपने आप सोचना चाहिए कि हम इस चीज को अपने आप को रोके, एक सिविक अच्छे एक सिविलियन की तरह बिहेव करें। ये तो हर इंसान का फर्ज है वैसे कि हम गंदगी ना फैलाएं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पाते, हम में से काफी लोग नहीं कर पाते, बड़ा दुख होता है। मैं जब 2006 में पहली बार पेंगोंग गया था, उसके बाद 2013 में गए, बड़ा अंतर आ चुका था। हालांकि उसकी खूबसूरती में अभी भी कोई कमी नहीं आई है, लेकिन उसकी जो जिस तरह वो हमारी जो है ना बदनीयती दर्शाता है कि हम किस तरह उसको खराब करना चाहते हैं। और ये जरूरी है सर, हम सेल्फ सोचें, प्रकृति को अगर खूबसूरत रखना है और बार बार उस जगह जाना है तो खुद से ये बीड़ा उठाएं। आप ये सोचें कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। Exactly. क्या ये कोका कोला और ये मैगी की बोतलें छोड़ के जाएंगे क्या? सर एक सवाल नितांशा, काफी देर से अनामिका मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। सर हम फोटोग्राफी की जब भी बात करते हैं, बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ आप लेकर आए, बहुत एक लंबा एक्सपीरियंस अनुभव रहा है, लेकिन आज न्यू कमर्स युवाओं की हम बात करते हैं तो एक फोन लेते हैं और फोटो लेते हैं और उसे एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं और बहुत अप्रिशिएशन भी मिलता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे उन फोटोज के लिए? देखिए ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी का विकास है, उसका फायदा उठा रहे हैं। जब हम लोग फोटो करते थे तो जब तक रील धुल के नहीं आती तब तक तो दिमाग में रहता था क्या होगा कैसा निकलेगा। अब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए फोटोग्राफी को आप दो दृष्टि से देख सकते हैं, एक तो होता है डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं इसको मानता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन है, आपने अपना फोटो खींच लिया, डॉक्यूमेंट हो गया कि उस टाइम आप ऐसे लगते थे, आपने सेल्फी खींच ली टेढ़ी मेढ़ी होके, ये पता लग गया उस टाइम आप वहाँ मौजूद थे, ये डॉक्यूमेंट। लेकिन इट्स नॉट ए पीस ऑफ आर्ट, पीस ऑफ आर्ट के लिए तो आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। वो जो कर रहा है कैमरा कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे उसके अंदर। तो ये चीजें खुश होने के लिए बढ़िया है और कोई बुरा भी नहीं है इसमें, आप करिए, खुश हो रहे हैं, आप फोटो खींच रहे हैं उसी टाइम आप डाल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, 10 कमेंट आ गए, चाची के मामी के दादी के सब राजी हो गए कि भाई कमाल कर दिया कमाल कर दिया, आप खुश हो गए। खुश होने का जरिया है इसलिए कोई बुरी बात भी नहीं, लेकिन ये फोटोग्राफी भी नहीं है, बस एक डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन थ्रू फोटोग्राफी। यानी डिजिटल फोटोग्राफी के दौर में फोटो मैनिपुलेशन ना करें। सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बातें की, कई बातें अधूरी रह गई हैं, शायद अगली मुलाकात हो तो आपसे दोबारा हम बात करेंगे। फुरकान साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों हाँ बिल्कुल, आप देख रहे थे डीडी राजस्थान पर धरती धोरारी, मैं अनामिका, मेरे साथ नितांशा, हम दोनों को आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।